कौन है मैनेजर यहाँ का? बोला कौन है यहाँ का थाना का मैनेजर? कोई नहीं है नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ रश्मि। बिहार का असली गुंडा कौन है? वो लोग जो दिन दहाड़े लूटपाट करते हैं या फिर हत्याएं करते हैं, या फिर वो लोग जो कुर्सी पर बैठकर दबंगई दिखाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बिहार में सरकार के जितने भी विधायक हैं उनकी तरफ से लगातार ये शिकायत सामने आ रही थी। सीएम नीतीश कुमार से ये कहा जा रहा था कि आपके अधिकारी तो हमारी बात ही नहीं सुनते, हमारा कहना ही नहीं मानते। लेकिन आज एक ऐसी वीडियो सामने आई है जहां पर विधायक जी की दबंगई देखने को मिली है। सबसे पहले तो वो एसएचओ की कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं और उस कुर्सी पर बैठे बैठे ही फरमान जारी करते हैं और अपनी दबंगई दिखाते हैं। हम आपको इस वीडियो के बारे में कुछ बताएं, उससे पहले आप इस पूरे वीडियो को देखिए। स्टेशन डायरी लाइए ना, यहाँ हम बैठे हुए हैं, स्टेशन डायरी लाइए, प्रेस वाले लोग भी हैं, देखेंगे ना आपका। स्टेशन डायरी प्रेस में नहीं होता है ना सर, प्रेस स्टेशन डायरी तो प्रेस में नहीं, हम देखेंगे ना उसको स्टेशन डायरी। आप एंट्री किए कि नहीं, कोई कांड होता है उसका एंट्री थाना में होता है कि नहीं होता है? होता है सर। कहाँ है वो डायरी, स्टेशन डायरी रखा हुआ है? लाइए, यहाँ लाइए हमारे पास। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है? कौन है मैनेजर यहाँ का? बोला नहीं, अभी मैनेजर नहीं। कौन है यहाँ का थाना का मैनेजर? मैनेजर अभी नहीं है सर। कोई नहीं है, क्या कंस्ट्रक्ट रही है उसका स्टेशन डायरी का? तो जो वीडियो अभी आपने देखा है, इस वीडियो में बीजेपी के विधायक हैं जो वहां पे रजिस्टर डायरी की मांग कर रहे हैं। अब रजिस्टर डायरी क्या है ये भी आपको बताते हैं। रजिस्टर डायरी में जितने भी माफिया होते हैं या जितने भी अपराध होते हैं बिहार में, उसकी जो लिस्ट है वो तैयार की जाती है। अगर इस वीडियो की हम बात करें कि ये वीडियो कहाँ की है, तो ये वीडियो जो है वो केवटी की है, केवटी थाना की है, जहाँ पर बीजेपी के ये विधायक बैठे हुए हैं, जिनका नाम हम आपको बता दें, मुरारी मोहन झा है बीजेपी के विधायक है, जो सबसे पहले तो एसएचओ की कुर्सी पर बैठ जाते हैं और वहां पर बैठे बैठे ही ये दबंगई उनकी तरफ से की जाती है और वहां पे जो अधिकारी मौजूद हैं उनसे वो रजिस्टर डायरी की मांग करते हैं। ऐसे में हम आपको बताएं कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस वीडियो को शेयर करते हुए ये भी बताया है कि किस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम में हस्तक्षेप किया जाता है। और गौर करने वाली बात यह है कि सीएम नीतीश कुमार को ये सभी चीजें पसंद भी आती हैं। आपको बताएं कि इस वीडियो को शेयर करते हुए बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लिखा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह हस्तक्षेप पसंद है। भाजपा विधायक दबंगई से थानेदार की कुर्सी पर बैठकर मुख्यमंत्री के अधीन गृह विभाग के कारनामों, माफियाओं एवं अपराधियों से साठ घाट का हिस्सा व हिसाब लेने के लिए केस डायरी की मांग करने लगे। बिहार में एनडीए का सरकार नहीं, सर्कस चल रहा है। तो ये जो बातें हैं वो तेजस्वी यादव की तरफ से कही गई है। लेकिन इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी के ये विधायक एसएचओ की कुर्सी पर ठाट से जाकर बैठ जाते हैं और उसके बाद रजिस्टर डायरी की मांग उनकी तरफ से की जाती है, जिसमें अपराधियों के बारे में जो जानकारी है वो लिखी जाती है ताकि आगे उन अपराधियों पर कार्रवाई हो सके। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये डायरी बीजेपी के विधायक क्यों मांग रहे हैं? आखिर उन्हें पुलिस वालों के काम में हस्तक्षेप करने की जरूरत क्या आन पड़ी? आखिर क्यों वो इस तरह से केवटी थाने में पहुंचकर अचानक ही वहां पर इस डायरी की मांग करने लगते हैं? कई सारे सवाल उठ रहे हैं और उठने लाजमी भी है, क्योंकि कि एक तरफ तो अपराधियों को पकड़ने के लिए जो दिशा निर्देश है वो सीएम नीतीश कुमार की तरफ से दिए जाते हैं, उस पर काम भी होता है। लेकिन इस तरह से बीजेपी के विधायक की जो दबंगई देखने को मिली है, ये कई सारे सवाल
उठाते हैं और उठने लाजमी भी है क्योंकि एक तरफ बीजेपी लगातार अपनी पैठ बैठाने की कोशिश कर रही है, एक तरफ बिहार में बीजेपी इस वक्त नंबर वन की पार्टी बन चुकी है और कहीं ना कहीं ये भी एक वजह है कि बीजेपी इस वक्त खुद को सबसे बड़ा समझ रही है और ये जो काम है वो बीजेपी के विधायक की तरफ से की जा रही है। तो ये बीजेपी के विधायक जिन्हें आप इस वीडियो में देख रहे हैं उनका नाम मुरारी मोहन झा है, जो केवटी थाने में एसएचओ की कुर्सी पर बैठकर रजिस्टर डायरी की मांग कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको उसी वीडियो के साथ छोड़े जाते हैं जिसमें बीजेपी के विधायक की ये दबंगई देखने को मिली है। स्टेशन डायरी लाइए ना, यहाँ बैठे हुए हैं, स्टेशन डायरी लाइए, प्रेस वाले लोग भी हैं, देखेंगे ना आपका। स्टेशन डायरी प्रेस में नहीं होता है ना सर, प्रेस स्टेशन डायरी तो प्रेस में नहीं, हम देखेंगे ना उसको स्टेशन डायरी। आप एंट्री किए कि नहीं, कोई कांड होता है उसका एंट्री थाना में होता है कि नहीं होता है? होता है सर। कहाँ है वो डायरी, स्टेशन डायरी रखा हुआ है? लाइए, यहाँ लाइए हमारे पास, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है? कौन है मैनेजर यहाँ का, बुलाओ। नहीं अभी मैनेजर नहीं है। कौन है यहाँ का थाना का मैनेजर? मैनेजर अभी नहीं है सर, कोई नहीं है। क्या कंस्ट्रक्ट रही है उसका स्टेशन डायरी का?